हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपको ऑफ शोल्डर फ्रिल बेबी फ्रॉक बनाना बताऊंगी तो देखिए उसके लिए मैंने ये दो मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे तो फैब्रिक को मैंने फोर फोल्ड करके बिछाया हुआ है जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है और देखिए इसकी जो लंबाई है वो मैंने दस इंच की रखी है ये नौ इंच की लंबाई हमारी रेडी होगी अभी ऊपर से शोल्डर के लिए हमें पाँच इंच पर निशान लगाना है क्योंकि हम ऑफ शोल्डर बनाने वाले हैं तो शोल्डर हमें पाँच इंच का ही लेना है और आम होल की लंबाई के लिए हमें साढ़े तीन इंच पर निशान लगाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है साढ़े तीन इंच पर निशान लगाते हुए अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे तो आपकी बेबी की चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें दो इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए तो मैंने आठ इंच पर निशान लगाया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है अभी देखिए आर्म होल के लिए हमें सिर्फ एक इंच पर निशान लगाना है और राउंड शेप ड्रॉ कर देना है एक इंच पर निशान लगाते हुए इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे अभी नीचे से देखिए हमें बेबी की कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें दो इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए तो नीचे से मैंने साढ़े सात इंच पर निशान लगाया है अभी साइड से भी हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है देखिए इस तरीके से अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है तो ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है और ये दो पार्ट है आगे और पीछे के लिए अभी देखिए ऊपर की साइड पर जो हम फ्रिल लगाने वाले हैं उसके लिए मैंने ये दो पट्टियाँ कट कर ली है और इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो सात इंच की रखी है और इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो पैंतीस इंच की रखी है तो इसकी हम फ्रिल बनाएंगे ऑफ शोल्डर के लिए अभी देखिए बॉटम पार्ट के लिए मैंने ये दो फेब्रिक के पीसेस कट कर लिए हैं देख सकते हैं आप ये दो पीस मैंने कट कर लिए हैं और इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो पंद्रह इंच की रखी है क्योंकि नीचे से एक और फ्रिल भी हम अटैच करेंगे और इसकी जो चौड़ाई है वो कम से कम हमें चालीस इंच तक की लेनी है क्योंकि हम इसमें गैदर्स बनाने वाले हैं अभी देखिए ये जो फ्रिल के लिए पट्टी हमने कट की है उसे एक पट्टी को सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरी पट्टी को उल्टा रखेंगे और दोनों साइड से हमें इसमें सिलाई लगाकर दोनों ही पट्टियों को ज्वाइंट कर लेना है ये ऑफ शोल्डर की फ्रील बनेगी हमारी इसमें से उसके बाद देखिए ये जो पट्टी की ऊपर वाली बॉर्डर है उसे हम इस तरीके से बारीक से डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ऊपर की भी और नीचे की भी बॉर्डर को हमें इसे डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है उसके बाद देखिए ये जो हमारा टॉप वाला पार्ट है उसकी भी जो ऊपर वाली बॉर्डर है इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे दोनों ही पार्ट के ऊपर वाली बॉर्डर को इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हमें इसमें सिलाई लगा देनी है तो देखिए मैंने पट्टियों में दोनों साइड से सिलाई लगा दी है और इसकी ऊपर और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है और ये दोनों पट्टिया कुछ इस तरीके से हमारी ज्वाइंट हो चुकी है और देखिए टॉप पार्ट के ऊपर की, की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है दोनों ही साइड से अभी देखिए इसके जो आर्म होल है उसके ऊपर हम तिरछी पट्टी अटैच करेंगे तो तिरछी पट्टी को पहले इसकी बॉर्डर को ऊपर से फोल्ड कर लेना है और इसे डबल फोल्ड कर लेना है और आर्म होल के ऊपर रखते हुए हमें इसमें सिलाई लगाकर पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देना है इसी तरीके से दूसरे साइड के आर्म होल पर भी हम पट्टी अटैच करेंगे और दूसरे टॉप पार्ट के दोनों साइड के आर्म होल के ऊपर भी हमें इसी तरीके से तिरछी पट्टी को अटैच करना है देखिए पट्टी की बॉर्डर को इस तरीके से पहले ऊपर से फोल्ड कर लेंगे उसके बाद हमें इसे डबल फोल्ड कर लेना है और सीधी साइड से ही आर्म होल के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है पूरे ही राउंड में इस तरीके से गोलाई में हम सिलाई लगाएंगे उसके बाद हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे क्योंकि हमारा राउंड वाला शेप है तो कट लगाना बहुत ही ज़रूरी है उसके बाद इस पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देना है और इसके ऊपर किनारे पर हमें एक सिलाई लगा देनी है तो इस तरीके से आम होल के ऊपर हमें तिरछी पट्टी अटैच कर लेनी है और इसी तरीके से दूसरी साइड पर जो आम होल है उसे भी हमें इसी तरीके से पट्टी को ऊपर से फोल्ड कर लेना है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है और इसमें छोटे छोटे कट लगाते हुए पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देना है और इसी तरीके से दूसरे वाले टॉप पार्ट के दोनों साइड के आम होल को भी हम रेडी कर लेंगे तो देखिए मैंने दोनों ही पार्ट के आम होल को रेडी कर लिया है देख सकते हैं आप अभी ये जो पट्टी हमने बनाई थी यानी कि दोनों साइड की बॉर्डर को जो हमने फोल्ड किया था उसमें हम इलास्टिक लगाएंगे एक साइड से तो देखिए इलास्टिक की जो लंबाई मैंने रखी है वो 28 इंच की लंबाई मैंने रखी है आपको 28 से 30 इंच तक की इलास्टिक की लंबाई रखनी होगी तभी आपकी बेबी के ऑफ शोल्डर के ऊपर ये फ्रिल हमारी बहुत ही प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगी और देखिए ये जो इलास्टिक है उन दोनों की बॉर्डर को इस तरीके से हमें ज्वाइंट कर लेना है सिलाई लगाते हुए और देखिए ये जो पट्टी हमने रेडी की है फ्रिल के लिए उसके किसी भी एक साइड पर हमें इलास्टिक को लगाना है यानी कि इसकी बॉर्डर को तो हमने फोल्ड कर ही लिया है ऊपर से भी नीचे से भी तो किसी भी एक साइड से हम इस इलास्टिक को लगाएंगे तो आधा या फिर एक इंच का गेप रखते हुए ही हमें इलास्टिक कॉटेज करना है और ध्यान रहे इलास्टिक को हमें इस तरीके से खींचते हुए ही इसके ऊपर सिलाई लगानी है तो ये देखिए मैंने इलास्टिक कॉटेज कर लिया है आप देख सकते हैं इस तरीके से खींचने पर इसकी जो फ्रिल है वो प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगी अभी इसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है जो साइड में हमने सिलाई लगाई थी उसे साइड में ही रहने देना है और इस तरीके से हमें इसे डबल फोल्ड कर लेना है और बिल्कुल सेंटर में हमें एक निशान लगा देना है तो आगे और पीछे दोनों साइड पर हम सेंटर में एक निशान लगाएंगे ताकि हमें फ्री लगाने में आसानी हो इसलिए हमें दोनों साइड पर बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगा देना है देखिए इस तरीके से दोनों साइड पर मैंने निशान लगा दिए हैं देख सकते हैं आप अभी देखिए ये जो हमारा टॉप वाला पार्ट है उसके भी बिल्कुल सेंटर में हमें एक निशान लगा देना है देखिए सीधी साइड से ही हमें बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगाना है ताकि हमें फ्रिल लगाने में भी आसानी हो तो दोनों ही पार्ट में हमें बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगा देना है ये आपको बहुत ही जरूरी है ताकि आप फ्रिल को अच्छे से लगा सकें तो दोनों ही टॉप पार्ट के बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगा देना है अभी देखिए दोनों ही टॉप पार्ट को इस तरीके से आमने सामने ही रखना है और जो हमने टॉप पार्ट में निशान लगाया है और जो फ्रिल में निशान लगाया है उन दोनों को अच्छे से मिलाना है और जहाँ तक हमारा टॉप पार्ट है वहाँ तक हमें इसमें सिलाई लगानी है तो सेंटर से ही हमें इस फ्रिल को रखना है और जहाँ तक हमारा टॉप पार्ट है बिल्कुल वहीं तक ही हमें इसमें सिलाई लगानी है दोनों ही साइड से फ्रिल को हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है हल्के हाथों से ही हमें इसमें सिलाई लगानी है और इसी तरीके से दूसरा जो टॉप पार्ट है उसे भी इस तरीके से सामने रखेंगे और जो फ्रिल में दूसरी साइड पर हमने निशान लगाया था उसे भी हमें टॉप पार्ट के निशान के साथ मिलाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है तो ध्यान रहे जहाँ तक हमारा टॉप पार्ट का आम होल है बिल्कुल वहीं तक हमें इसमें सिलाई लगानी है दोनों ही साइड से फ्रेल को अच्छे से सेट से कर लेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे दोनों ही साइड से तो देखिए आपको मैं मशीन पर भी बता देती हूँ निशान को निशान से बराबर अच्छे से मिलाना है और जहाँ तक हमारा टॉप वाला पार्ट है यानी कि जहाँ तक इसका होल है वहीं तक हमें इसमें सिलाई लगानी है उससे ज़्यादा आगे नहीं जाना है और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हमें वहीं तक इसमें सिलाई लगानी है फ्रिल को अच्छे से, से सेट करते हुए और इसी तरीके से दूसरे वाले टॉप पार्ट पर भी हम सिलाई लगा देंगे यानी कि फ्रिल को जॉइंट कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से हमारी फ्रिल ज्वाइंट हो जाती है दोनों ही टॉप पार्ट के साथ तो ये देखिए मैंने फ्रिल को अटैच कर लिया है और ये जो साइड में एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा वो बेबी के शोल्डर के ऊपर आएगा और देखिए फ्रिल हमारी फिनिशिंग से लग चुकी है अभी हम इसमें स्ट्रिप अटैच करेंगे तो उसके लिए मैंने ये पट्टी कट की है इसकी चौड़ाई मैंने तीन इंच की रखी है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने दस इंच की रखी है अभी पट्टी की दोनों साइड की जो बॉर्डर है उसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसे एक बार फिर से फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है आप चाहे तो इसमें सिलाई लगा कर इसे पलट भी सकते हैं अभी पट्टी की दोनों साइड की बॉर्डर को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और एक बार फिर से फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है तो ऐसे हमें दो पट्टियाँ रेडी करनी है दोनों साइड के आम होल के ऊपर अटैच करने के लिए अभी देखिए जहाँ पर हमारा ये टॉप वाला पार्ट है यानी कि जहाँ पर हमारा टॉप पार्ट का जो आम होल है वहीं पर हमें इस पट्टी को अटैच करना है देखिए देख सकते हैं <आग>। आप तो पट्टी को उल्टी साइड से ही आमहौल के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है और दूसरी साइड के टॉप पार्ट के आमहौल के ऊपर हम पट्टी का दूसरा कोना रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे देखिए इस तरीके से पट्टी को हमें बिल्कुल किनारे पर ही रखना है उल्टी साइड से और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हम पट्टी को अटैच कर लेंगे तो दोनों ही साइड से हमें इसी तरीके से पट्टी को अटैच कर लेना है तो बहुत ही आसान तरीके से पट्टी हमारी जॉइंट हो जाएगी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी तो देखिए मैंने दोनों ही पट्टियाँ जॉइंट कर दी है ये दोनों ही पट्टियाँ बेबी के शोल्डर के ऊपर आएंगी और जो साइड में एक्स्ट्रा फील बचेंगी वो दोनों साइड के हाथ के ऊपर आएंगी आप देख सकते हैं तो हमारा ये टॉप वाला ऊपर वाला पार्ट बनकर रेडी हो गया है ये देखिए ऑफ शोल्डर के लिए इस तरीके से फ्रिल साइड में रहती है अभी हम बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे तो देखिए टॉप पार्ट को सीधा रखना है और बॉटम पार्ट को उल्टा रखना है और इस तरीके से हमें छोटी छोटी प्लेट्स लगाते हुए बॉटम पार्ट को अटैच कर लेना है आप चाहे तो छोटी प्लेट्स भी लगा सकते हैं या फिर बड़ी प्लेट्स भी लगा सकते हैं और इसी तरीके से दूसरे साइड के टॉप पार्ट के ऊपर हम बॉटम पार्ट को उल्टा रखेंगे और इसे भी हमें इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स लगाते हुए अटैच कर लेंगे बॉटम पार्ट को तो देखिए मैंने बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है आगे वाली साइड से भी और पीछे वाली साइड से भी अभी देखिए यहाँ पर हम इलास्टिक लगाने वाले हैं तो मैंने वही पतली वाली इलास्टिक ली है और इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो बारह इंच की रखी है देखिए इस तरीके से बारह इंच की लंबाई मैंने रखी है इलास्टिक की अभी जो टॉप पार्ट है हमारा उसी के ऊपर हमें इलास्टिक को रखना है और इस तरीके से खींचते हुए हमें इलास्टिक में सिलाई लगानी है तो बहुत ही सुंदर इसकी गैदर्स नज़र आती है और इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट के ऊपर भी हमें इलास्टिक को इस तरीके से खींचना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है तो देखिए मैंने इलास्टिक को अटैच कर लिया है दोनों ही साइड से आगे वाले पार्ट में भी और पीछे वाले पार्ट में भी मैंने इलास्टिक अटैच कर लिया है और देखिए आगे वाली साइड से कितना सुंदर लग रहा है अभी हम नीचे वाली साइड पर फ्रिल लगाने वाले हैं अभी देखिए जितना भी फैब्रिक मेरा बचा था उसमें से मैंने इस तरीके से पट्टिया कट करके इन्हें ज्वाइंट कर लिया है और इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो पाँच इंच की रखी है और इसकी चौड़ाई उतनी लेनी है जितनी हम नीचे वाले पार्ट में फ्रिल बना सके अभी देखिए इसके नीचे वाली बॉर्डर को हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है और सिलाई लगाने के बाद हमें एक इंच का गेप छोड़ते हुए इसमें बड़ा टाका करके सिलाई लगानी है गैदर्स बनाने के लिए पूरी ही पट्टी में और इसी तरीके से दूसरी पट्टी की बॉर्डर को भी हम फोल्ड कर लेंगे और बड़ा टाका करके इसमें सिलाई लगा देंगे तो देखिए मैंने इसमें बड़ा टाका करके सिलाई लगा दी है और इसकी बॉर्डर को भी फोल्ड करते हुए मैंने सिलाई लगा दी है अभी हमें एक धागे को हल्के हल्के खींचना है और इसकी गैदर्स बना लेनी है तो हमारी जो फ्रॉक की नीचे वाली चौड़ाई है उतनी हमें इसमें गैदर्स को सेट कर लेना है तो देखिए इस तरीके से मैंने गैदर्स को सेट कर लिया है अभी ये जो हमारा फ्रॉक का नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर हमें इस फ्रिल को अटैच करना है तो ध्यान रहे आधा इंच गेप छोड़ते हुए हमें इस फ्रिल को लगाना है देखिए फ्रॉक वाला जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर आधा इंच फैब्रिक इस तरीके से छोड़ना है नीचे की साइड पर यानी कि फ्रिल को आधा इंच ऊपर चढ़ाते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे पर सिलाई नहीं लगानी है आधा इंच फ्रिल को ऊपर चढ़ाते हुए ही हमें इसमें सिलाई लगानी है और सिलाई कहाँ पर लगानी है ध्यान रहे जो हमने फ्रिल बनाने के लिए बड़ा टाका करके सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी के ऊपर हमें ये बारीक सिलाई लगानी है तो देखिए मैंने फ्रिल को कर लिया है और जो बड़ा टाका करके हमने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर जो हमने सिलाई लगाई है उससे इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है तो फ्रिल हमारी ऊपर की साइड पर नज़र आती है और इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी मैंने फ्रिल लगा दी है अभी इसे हमें उल्टा कर लेना है और साइड से दो इंच का गेप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है दोनों ही साइड से दो इंच का गेप रखते हुए हम इसकी फिटिंग कर लेंगे उसके बाद जो नीचे वाली बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है तो ये देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से मैंने इसकी फिटिंग कर ली है और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है और इसी के साथ ये हमारा ऑफ शोल्डर फ्रिल बेबी फ्रॉक बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स